तो कैसे आप सभी लोग किस मदद कर चुका। तो कैसे आज आज और इसी वक्त मैं आप लोग को अपना गेमिंग सेटअप का टूट कराने वाला हूँ। आज तुम्हें कैसे टूट गया है चला, अभी कौन सा गेमिंग सेटअप मैंने भाई भाई कर लिया, मतलब पूछ भाई ने क्या पुराना पुराना कंप्यूटर में पूरा सेटअप का तगड़ा वाला सेटअप लगा दिया है। कैसे आप लोग देख कर चौंक मत जाना। ओके वैसे भी ये सेटअप इतना भी तगड़ा नहीं, पर एक माउस और भाई दो कीबोर्ड साइड पे एक एक्स्ट्रा यहाँ भी एक। कैसे आप लोग यह देख लो। सर मेरा पीसी अब पिछले बार से मुझे ना सर मेरा पीसी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है मैं बोलूँ। और ये सेटअप कैसे बहुत तगड़ा है, वैसे भी मैंने दूसरा कीबोर्ड लगा कर रखा। चलो इसमें भी काम कर, अभी थोड़ा सा दूर से चलो मैं बोलो दूसरा कीबोर्ड दिखाता हूँ। और कैसे ये मेरा ये जो कंप्यूटर है ना वो मैंने इसमें क्या विंडोज 11 का कॉर्नपेट थीम डाउनलोड कर रखा है। तो मैं भाई सॉफ्टवेयर में काम करता हूँ क्या, सॉफ्टवेयर के तो मैं काम नहीं करता, पर मैं मुझे ऑफिशियली कंप्यूटर्स को चलाना आता है, सब कुछ करना आता है, उनमें सॉफ्टवेयर डालने आता है और भाई कोई थीम भी डाउनलोड करना आता है, सेटिंग में जाकर कुछ भी अपडेटेड अपडेट वगैरह पावर ऑफ वगैरह सब कुछ करना भी आता है। और अगर आप लोग को रन दबाना है कमांड दबाना है वो भी मुझे आता है, मैं आप लोग को भी दिखाता हूँ। पहले तो प्रेस करो विंडोज और उसके बाद प्रेस करो आर, अभी देख सकते हो भाई कमांड आ चुका है टीपीएम एमएस, इसको मैं भी ओके कर लेता हूँ। तो सिंपली ये कि एक विंडोज 11 का एक क्या बोलते हैं विंडो रियल विंडोज 11 का प्रयोग कर डाउनलोड करना है, तो आपको यहाँ जितनी सब कुछ एनेबल करना रिस्टार्टिंग में। मैं बोल रहा हूँ कुछ कंप्यूटर में ये पहले से अवेलेबल रहता है, मेरे कंप्यूटर में तो पहले से अवेलेबल था, इसलिए चलिए अब देखते हैं। तो गाइस सर आप फिर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नेक्स्ट वीडियो टेल देन बाय बाय।